हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत के हाथों जलील हुआ पाकिस्तान। ये भारत के हाथों भी जलील होगा और ये यूएसए के हाथों भी होगा। तो एक तरफ यूएसए, एक तरफ इंडिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, मजे लेते हैं। यार, पाकिस्तान की टीम से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों को पिच पर ही करना था तो तुम लोग बैट लेकर क्यों गए? लोटा लेकर गए होते क्यों भैया? सूजी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। क्या इंटरनेशनल टीम बनेगी भैया? ये है लप्पू सी तो टीम है, खेलना इनको आवे ना, खेला इनसे जावे ना, 120 रन इनसे बनते नहीं। बातें करूं रात भर और परफॉर्मेंस मेरी झ से खाट भर। ऐसा हिसाब है इन लोगों का। थोड़े दिन पहले पूछा गया था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, उनने कहा मुझसे बेहतर कोई हो सकता है? अच्छा भाई, मुंह चलाने से अगर कोई ऑलराउंडर बनता ना तो फिर हाँ तुम ही होते दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर। लेकिन फिलहाल ऑलराउंडर बनने के लिए बैटिंग और बॉलिंग करनी पड़ती है, जो कि ना तो इमाद वसीम से हुई और ना ही पूरी पाकिस्तानी टीम से। लेकिन पाकिस्तान की लेने के चक्कर में इंडिया को मत भूल जाइएगा। 120 रन डिफेंड करे हैं हमारे गेंदबाजों ने। पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, बुमराह हमारे नेशनल ट्रेजर है और उनको जो चाहिए इस पूरे देश को दे देना चाहिए। कायदे से तो कल मोदी जी को शपथ ग्रहण करते टाइम 4-5 मंत्रालय बुमराह के नाम कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर बुमराह ना होते तो हम जलील हो जाते। एक काम करते, शुरू से शुरू करते। बात ऐसी कि कल आपका भाई मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन गया था। ये देखो, शपथ ग्रहण समारोह देर तक चला और मुझे लगा कि शुरू का मैच छूट जाएगा, लेकिन वॉर के बाद मोदी जी ने टॉस भी रुकवा दिया। अरे यार, ऐसा कैसे? न्यूयॉर्क में बारिश हो गई और कायदे से मैच रात को 9:30 बजे शुरू हो पाया। जिस चीज का डर था वही हुआ। एक मुश्किल पिच पर भारत टॉस हारा और बाबर आजम ने तुरंत से पहले बॉलिंग ले ली। पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी हमारी आधी से ज्यादा उम्मीद विराट कोहली से होती है, लेकिन कल विराट भाई भी डिसअपॉइंट कर गए। नसीम शाह की बहुत दूर जाती गेंद पर कोहली भाई ने बल्ला लगा दिया। सरल शब्दों में बोलूं तो उड़ता तीर ले लिया और आउट हो गए। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? बिल्कुल ऐसा समझो, हमारी आधी टीम तो तभी आउट हो गई थी, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा भी छक्का मारने के चक्कर में जब आउट हुए तो हमें समझ में आया कि यही रात अंतिम होने वाली है भैया। दिल्ली की टीम ने आईपीएल में भले ही कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन दिल्ली के दो खिलाड़ियों ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी और इस ग्राउंड पर इंडिया ने अभी तक का हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर भी बनाया और फिर 10 ओवर में 80 रन के पार हम लोग निकल गए थे। इस पिच पर अगर हम 160 बना लेते तो जीत की गारंटी मिल जाती, लेकिन 10 ओवर के बाद हालात वैसे ही बदल गए जैसे एग्जिट पोल के बाद नतीजों वाले दिन हालात बदले थे। मजा नहीं आ रहा है। 89 for 3 वाली भारतीय टीम 96 तक आते आते 7 विकेट गंवा चुकी थी। 160 तो छोड़ो, 140 में ही हमारे छुहारे सूखे हुए थे। ये क्या है? मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की टीम ओपोनेंट के लेवल पर खेलती है। अचानक से पाकिस्तान वाले इंडिया की तरह खेलने लगे और विकेट लेने लगे। कैसे विकेट लेने लगे राहुल जी? खटाखट 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 खटाखट। जी हाँ, मोहम्मद आमिर ने जब बैक टू बैक गेंद पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को आउट किया, हम तभी समझ गए थे कि 20 ओवर पूरे नहीं खेलने वाले हम लोग आज। और नतीजा ये हुआ कि T20 क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। 20 ओवर पूरे नहीं खेले हम लोग और पाकिस्तान को जीतने के लिए टारगेट मिला मात्र 120। तो लग रहा था हार जाएंगे। भाई पाकिस्तान का टारगेट भी आसान था और आपका भी टारगेट आसान है, लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ गुड़ गोबर मत करना। डिस्क्रिप्शन में जाना, बिनोमो ऐप का लिंक दिया है, इस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। गुड़ गोबर ही करना चाहिए हर बार। इनको इंप्रूव कर सकते हो, यहां पर आपका कौन सा किसके साथ मैच होगा, ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। यहां पर आपको एक आयरलैंड के साथ होना भी बच्चा, कनाडा के साथ होना भी आपको 90% का प्रॉफिट मिल सकता है, मजा आ जाएगा। मैंने बिनोमो में कनाडा भी 15 सेकंड में हो गया। फिर अब मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3,000 INR का किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे, बस आप मेरे पीछे रिपीट कर रहा है। ये देखिए, सुपर कूल, 1 मिनट के अंदर INR कमा लिया हमने और मैं इसे अभी विड्रॉ भी कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके बिनोमो को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाए, जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाए। वीडियो में आ गया। तो भाई 120 का टारगेट का मतलब था कि एक तरह से मैच पाकिस्तान की झोली में था, क्योंकि यही तो चाहिए बाबर और रिजवान को। वनडे वाली इक्वेशन, दोनों पर तेज खेलने का कोई दबाव नहीं था, लेकिन बाबर के साथ हसन अली की किंग कर लेगा वाली पनौती जरूर थी। किंग एक बार फिर कर नहीं पाए और बुमराह को ही बहुत जरूरी विकेट मिला, ये मिलना चाहिए था। पाकिस्तान वालों को बुमराह और सिराज की गेंदबाजी वैसे ही नहीं समझ आ रही थी जैसे इंग्लिश समझ नहीं आती थी।
लेकिन इसके बावजूद 10 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर 57 थे और विकेट गिरा था सिर्फ एक, लेकिन यहां से टीम इंडिया ने फाइट बैक किया। अक्षर पटेल को इसलिए खिलाया गया था ताकि हमारी बल्लेबाजी लंबी हो जाए, उन्होंने रन बनाकर अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई तो किया, लेकिन उस्मान खान को LBW मार के उन्होंने जून की गर्मी में फरवरी की ठंडक दिला दी। और फिर बुमराह भाई तो क्या ही कहें उनके भैया, मोहम्मद रिजवान को लग रहा था कि दुनिया के बेस्ट गेंदबाज को छक्का लगा देंगे, लेकिन फिर बुमराह की गेंद ने कहा चल निकल भंवरे, नई जरूरत है इस पिच को तेरी। और उसके बाद पाकिस्तान वालों ने जो अपने 94% विनिंग प्रोबेबिलिटी के दम पर वो लोग उछल रहे थे, उस प्रोबेबिलिटी की बत्ती बनाकर उसका क्या किया मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताना। बोलो बोलो टेल टेल। अक्षर पटेल, बुमराह, सिराज और हर्षदीप, हमारा दिल दुबई 2021 की तरह टूटने से बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान का पिछवाड़ा जरूर तोड़ दिया। इसी के साथ अब पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट से विदाई लगभग तय हो गई। आप बताओ कमेंट करके पाकिस्तान की गांव तोड़कर आपको आपको कैसा लग रहा है। खैर पाकिस्तान वाले देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं कि आखिर आपका खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन था आपकी टीम से, क्या बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान हारी या फिर रिजवान ने जीता जिताया मैच हरवा दिया, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल, इसी पर हम अपना एक एनालिसिस लेकर आएंगे, मस्त मजा आएगा। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके बिनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड करो, ट्रेडिंग का मजा लीजिए अभी के अभी और पैसे भी कमाइए अभी के अभी। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखें तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और एक बार पाकिस्तान वालों सुनिए। भैया बड़ा मजा आ रहा है, इनकी बेस्तियां देख के ना बड़ा मजा आता है। अभी इनका रोना वो पता है कौन सा शुरू होएगा, ये कहेंगे कि यू वहाँ पे तो इंडिया तो इतनी देर से खेल रहा था, हम तो अब फ्लाई करके डैलस से आए हैं तो हमारे लिए तो पूरी पिच नई थी। देखिए इन्होंने कहा था कि एक समय जब इंडिया ने अपना खत्म की थी बारी, तब लगा था इंडिया जीत नहीं पाया। वो तो है, मैंने भी बुरा हाल था, मैं तो कहा था उस टाइम उनकी जीतने की प्रॉब्लम, ऐसे ही कहा था कि पाकिस्तान ने उसको भी गुड़ गोबर कर दिया उस अपॉर्चुनिटी को। हर चीज को गुड़ गोबर करने में ही माहिर है, अपनी वजह से हारे हैं। इंडिया ने तो अच्छा नहीं किया था स्टार्टिंग में, उन्होंने इतना बुरा किया कि सीधा गए। हमारे स्कोर जो था वो इतना अच्छा नहीं था, उससे लग रहा था मुझे तो वही जहाँ पे रोहित और विराट आउट हुए मुझे तो वही हो गया था, मुझे तो लगा अब बुरा हाल होगा, अब गेम अच्छी नहीं थी। बस अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी ने सत्यानाश कर दी। अच्छा इनके साथ उसका रीजन यही था पूरा जो है, आप कह सकते हैं कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है भैया, ऐसे ही होना चाहिए। बुमराह के वजह से सब बढ़िया। अब ये कनाडा के साथ खेले और कनाडा वाले भी इनका गुड़ गोबर करें, मैं तो इसकी वेट कर रही हूँ कि कनाडा वाले भी इनका गुड़ गोबर करें। उसके बाद इन्होंने शायद आयरलैंड के साथ खेलना है, वो भी गुड़ गोबर करें। इनका फाइनल पॉइंट्स कितने हो, जीरो। अभी तक इनके मेरे ख्याल से जीरो है, क्या जीरो है कि टू है, आई होप जीरो है। और न्यूयॉर्क में इतना जबरदस्त शो हुआ है विच इज अमेजिंग कि लोग देखने गए थे एंटरटेनमेंट। पहला पार्ट होगा सब उदास होंगे, मेजॉरिटी बनता उदास होगा, उसके बाद पता लगा कि जीत हो गई है, कितने खुशी होंगे उनके लिए, बहुत मजा आया होगा। सुपर्ब उनके लिए पूरी नाइट उनका तो मजे, मतलब वो तो मजे लेके आए होंगे, कहा जीते 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 थे, मतलब उनको स्टार्टिंग में लगा कि हार रहे हैं और फिर जीत गए, तब लग रहा होगा है इतना पैसा खर्च कर दिया। गेम में मैक्सिमम मजा आता है क्योंकि आपको बहुत दुख हुआ, आपको लगा सब फिर जीत खत्म और जीत गया। वो तो है भैया, वो तो है कि मैं उसके बाद बोल रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जब हमने ही हमको इतना ओवर आता एक्साइटमेंट, जो वहां बैठा तो सोचो इंडिया के खेलने के बाद काफी लोगों ने बंद कर दिया होगा कि भाई आराम देख लिया है, एंड ऑफ स्टोरी, मैं तो हो गया था, मैं तो बन रहा, मैं नहीं देख रही अब आगे, मुझसे नहीं। और जैसे वो लोग कह रहे हैं डेफिनेटली पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की हारने की और वो हार गए, ऐसी लगे रहे, बस इसी के इसमें अपने लास्ट मैच हारे और टाटा बाय बाय इनकी। पहले यूएसए से आ रहे थे, बहुत दिन बिता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान को ज्यादा कर पाएगा, नहीं बहुत दिन हो गए इनको यूएसए में बिताते हुए, अभी अपने घर वापस जाएं। तो चलो यार आप विषय अगर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।